वेलकम बैक टू याशिका गुप्ता व्लॉग। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। तो टुडे आई एम अप विथ अनादर डिफरेंट वीडियो। आज मैं ट्राई करने वाली हूँ वायरल शॉर्ट रेसिपीज। मैंने 3-4 शॉर्ट रेसिपीज सेलेक्ट करी थी। मतलब इन दिनों में ना इतना ज़्यादा यूट्यूब इंस्टाग्राम स्क्रोल करी, वैसे भी मैं करती हूँ गाइस। सो मेरी फीड पे सिर्फ फूड की रील्स शॉर्ट्स ही आते रहते हैं। सो मैंने सोचा क्यों ना हम इस पर एक वीडियो बनाएं और हम भी ट्राई करें कैसी टर्न आउट होती है रेसिपीज। तो मैंने ना 3-4 सेलेक्ट करी है, उसमें स्नैक्स भी हैं, उसमें डेजर्ट भी है, उसमें ड्रिंक भी है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट। सो चलो साथ में बनाते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट रेसिपी ट्राई करने जा रही हूँ वो है दही टोस्ट। एंड आज से पहले मैंने दही टोस्ट कभी भी नहीं खाया, ये मेरा फर्स्ट टाइम होगा। एंड देखते हैं कैसे टर्न आउट होती है। चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने सारे इंग्रीडियंट्स रेडी कर दिए हैं, तो आ जाओ फटाफट से बनाते हैं। लॉट ऑफ मेहनत और बहुत सारा पसीना बहाने के बाद फाइनली मैंने रेडी कर लिया दही टोस्ट। इट लुक्स यम। मैंने ऐसा कभी पहले ट्राई नहीं किया है। चलो टेस्ट करके देखते हैं कैसा होगा। आई विल टेक अ बाइट। टूट ही नहीं रहा है पहला दूध से, ये गाइस टूट ही नहीं रहा है। सॉफ्ट तो ये काफी, लेकिन पता नहीं कट क्यों नहीं है। अरे अरे अरे, 2000 years later. Okay, finally it's here. We'll take some प्याज also. फिर से सेकेंड अटेम्प्ट। अच्छा है। एक बाइट और लेती हूँ तो ज्यादा समझ में आएगा। एक बाइट से समझ नहीं आता है मुझे तो कैसा टेस्ट है कैसा नहीं है। एक बाइट तोड़ने में इतनी मेहनत हुई थी, सेकंड में पता नहीं कितनी होगी गाइस। ओह टूट जा टूट ही नहीं रहा भाई। इसी जुगाड़ करूं क्या मैं? I'll eat like this. It's actually good. काफी अच्छा बना है, मतलब it's a good breakfast or snacks option. काफी अच्छा है। So हमारी first recipe तो हो चुकी है hit. अब नेक्स्ट ट्राई करते हैं। सो हमारी नेक्स्ट रेसिपी है मैंगो आइसक्रीम, जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी। मतलब आपको मैंगो को कट नहीं करना है, उसकी गुठली निकाल के एंड अंदर रबड़ी भर के उसे पैक करके और फिर फ्रीज करना होता है फॉर सम टाइम। एंड फिर जब वो पूरी सेट हो जाती है आइसक्रीम की तरह, तो आप उसके छिलके उतार के उसे खाते हैं। सो मैंने बहुत बार देख लिया एंड आई रियली वॉन्टेड टू ट्राई इट। तो मैंने रबड़ी तो बना दी थी, एक्चुअली मम्मा ने बनाई थी, मम्मा ने हेल्प करी थी मुझे रबड़ी बनाने में। ये रबड़ी हमारी रेडी है। इसमें कुछ नहीं किया है, हमने दूध लिया है उसको अच्छे से रड़ाया है। मतलब जब तक आपके ये लच्छे नहीं आ जाते ना, तब तक अच्छे से रड़ाना है। और फिर अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट बर्ड्स आप इसमें शुगर ऐड कर सकते हो। तो हमने बहुत ही माइल्ड शुगर डाली है, बिकॉज दूध ऑलरेडी मीठा होता है एंड मैंगो भी थोड़ा मीठा होता है। सो इसीलिए अब हम इसे असेंबल कर देते हैं, ताकि फिर जब तक हम दूसरी रेसिपीज ट्राई करेंगे तब तक ये सेट हो जाएगी। लॉट ऑफ मैस मैंने फाइनली मैंगो आइसक्रीम बना दी है एंड वो फ्रीजर में गई है सेट होने।
और जैसा वीडियो में दिखाया गया था ना कि वो इजीली गुठली निकली, तो वैसा तो बिल्कुल भी नहीं था, बहुत मेहनत लगी है उसमें। एंड मेरे से तो कहीं कहीं पे से ना ऐसे छिलका उतर भी गया था, तो मैं जब दूध उसमें डाल रही थी तो वो बाहर भी निकल रहा था। फिर मैंने उसे प्लेट्स में रखा तो वो ऐसे लेटा के हम रख रहे थे तो और भी निकल रहा था, तो फिर मैंने उसे प्लास्टिक के डब्बे में ढंग से खड़ा करके और सेट किया है। आई होप वो अच्छी बने, दिखने में तो क्वाइट टेम्पटिंग लग रही थी। सो वो हम डेजर्ट में खाने वाले हैं, बट नाउ मैं बनाने वाली हूँ अपनी कॉफ़ी। मतलब मुझे दिन में कॉफ़ी एक चाहिए होती है, चाहे मैं हॉट कॉफ़ी ले लूँ चाहे मैं कोल्ड कॉफ़ी ले लूँ, बट टुडे आई एम मेकिंग घी कॉफ़ी। सेलिब्रिटीज़ में ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, वो लोग घी कॉफ़ी बना के पीते हैं। आई डोंट नो कैसी होगी, मैंने कभी ट्राई नहीं की है, तो चलो आज वही ट्राई करते हैं। Guys, let's taste it. चलो टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसी होगी। टेस्ट थोड़ी गर्म है, कुछ समझ नहीं आया। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये घी का जो फ्लेवर है ना, इसने कॉफी के फ्लेवर को काफी हद तक कम कर दिया है। मतलब घी का फ्लेवर तो आ ही रहा है, ऑफकोर्स घी डाला है तो आएगा ही, बट कॉफी का फ्लेवर थोड़ा कम आ रहा है, जबकि मैंने एक स्पून पूरा कॉफी डाला था। बट इट क्वाइट नाइस, अच्छा है। मुझे ऐसा लगा था अच्छा नहीं लगेगा, पता नहीं, घी कॉफी मैंने कभी ट्राई नहीं किया, बट इट क्वाइट नाइस। मैं ये इंजॉय करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। घी कॉफी अच्छे से इंजॉय कर ली है, एंड अब इस वीडियो की ये लास्ट वायरल रेसिपी होने वाली है। मैं बनाने वाली हूँ पापड़ पिज्जा। हमने नॉर्मल पिज्जा खा लिया, हमने रोटी पिज्जा खा लिया, हमने ब्रेड पिज्जा खा लिया, इट्स टाइम टू मेक पापड़ पिज्जा गाइस। सो बहुत ही सिंपल रेसिपी है, आजा फटाफट से वो बनाते हैं। कट करने में बहुत डिफिकल्टी हुई थी, एंड मुझे इससे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लग नहीं रही है, बट एनीवे टेस्ट करके देखते हैं हमें कैसा होगा। इट्स एक्चुअली क्वाइट नाइस, ये काफी अच्छा लग रहा है। मतलब चीज़ एंड ऑल में पापड़ का टेस्ट बहुत कम कर गया है, एंड मैंने इसमें नमक भी नहीं डाला है तो इतना सॉल्टी हुआ नहीं है ये। इट्स एक्चुअली गुड, क्विक है, काफ़ी अच्छा है। आई लाइक इट, ये तो मैं और बनाने वाली हूँ डेफिनेटली। अच्छा लगा, मतलब उसका मतलब ये है कि पिज़्ज़ा आप किसी भी फॉर्म में खाओ आपको अच्छा ही लगेगा। इट्स नाइस, हिट है ये भी रेसिपी। सो अब मैं मिलती हूँ आपको मैंगो आइसक्रीम के टाइम। सो गाइज, इट इज़ द नेक्स्ट डे, एंड कल हमारी आइसक्रीम बिल्कुल भी ढंग से सेट नहीं हुई थी, तो मैंने अभी जस्ट चेक किया है, बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है। तो अभी हम उसको कट करके टेस्ट करने वाले हैं कैसी बनी है, और आइसक्रीम टेस्ट करने के लिए मेरे साथ है मेरी मम्मी। वेलकम वेलकम वेलकम, हाय। सो हम दोनों मिलकर रिव्यू करने वाले हैं कि वो आइसक्रीम कैसे बनी है, आ जाओ। हमारी आइसक्रीम रेडी हो
मैंने शायद इसमें रबड़ी कम भरी थी इसलिए ये थोड़ी कम अच्छी लग रही है, बट टेस्ट करके देखते हैं कैसी है। चलो चम्मच से कोई कट होने वाली है नहीं तो हम ऐसे ही खाएंगे इसे। मैं वाला पीस खाऊंगी गाइस, मस्त बनी, थोड़ा रबड़ी का टेस्ट कम आ रहा है बाकी अच्छी बनी है। अगर मैं रबड़ी अच्छे से डालती तो और अच्छी लगती ना। बाकी अच्छी लग रही है, मैंगो एंड रबड़ी साथ में बहुत टेस्टी लग रहा है। सो गाइज बस यही थी मेरी कुछ रेसिपीज, मैंने सारी रेसिपीज फर्स्ट टाइम ट्राई करी थी एंड काफी मजा आया, फन था। आई होप आपने भी इंजॉय किया होगा, सारी रेसिपीज मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई करी तो कुछ हिट थी तो कुछ फ्लॉप थी, बट या आई रियली इंजॉयड अलॉट। एंड लास्ट वाली जो आइसक्रीम रेसिपी थी ना वो बहुत टेस्टी बनी गाइज, अगर आप उसमें अच्छे से रबड़ी फिल करते हो ना तो बहुत अच्छी लगेगी, आप जरूर ट्राई करना एक बार। मैंने थोड़ी कम रबड़ी डाली बट इट्स ओके, वो फिर भी बहुत टेस्टी लग रही है। तो अगर आपके पास और कोई रिकमेंडेशंस हो ऐसी वीडियोस को लेके तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और आप क्या देखना चाहोगे चैनल पे वो भी मुझे जरूर बताना। इफ यू एंजॉयड दिस व्लॉग एंड एंजॉयड सम वियर्ड एंड क्विक रेसिपीज, अगर आपने एंजॉय किया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलती हूँ मैं आपसे बहुत जल्द एक नए वीडियो में, बाय।